Hello everyone, today is day 7 of our track and it is going to be most happening day as today we are going to experience the final two most beautiful lakes of KGL track, Gangabal and Nandakul. After having yummy hot noodles in the breakfast, we started hiking towards Gangabal campsite located at a distance of 9 kilometers from Satsar. हमारे ट्रैक के इनिशियल रूट में बोल्डर्स का एक बहुत बड़ा पैच था, जिसे हमने बहुत ही सावधानी पूर्वक और धीमी गति से करीबन एक घंटे में पूरा किया। बोल्डर्स बहुत बड़े थे और हमें मंकीज की तरह धीरे धीरे एक बोल्डर से दूसरे बोल्डर पर जाना था। इस समय कुछ बातों का खास ध्यान रखें। डोंट यूज योर ट्रैकिंग पोल ऑन बोल्डर्स। प्लेस योर फीट केयरफुली ऑन ईच बोल्डर। हेल्प ईच अदर एंड इफ यू वांट टू लुक अराउंड स्टॉप फॉर अ व्हाइल। बोल्डर्स पैच के बाद बादलों के बीच से होते हुए प्रारंभिक खड़ी चढ़ाई के बाद आप पहुंचते हैं जैज पास के टॉप पर। One, two, three. अरे जैज दर्रे के शीर्ष पर पहुंचकर शानदार दृश्यों के साथ आपका स्वागत करती है ट्विन लेक्स गंगबल एंड नंदकुल। यहाँ हवा में तैरते बादलों की वजह से हमें हरमुख चोटी की बर्फ से ढकी चोटी को देखने में कुछ समय लगा। इट वॉज अ शार्प डिसेंट फ्रॉम जैज पास टॉप and your efforts are well rewarded with a beautiful green carpet of grassland that finally merges with Gangabal Lake. We had our lunch here before heading to Gangabal Lake. Gangabal Jheel एक बहुत ही खूबसूरत झील है और जैसे जैसे आप इसके और नजदीक जाते हैं इसकी खूबसूरती मन को मोह लेने वाली है। गंगबल झील से कुछ 100 मीटर की दूरी पर आपको देखने मिलेगी इसकी छोटी जुड़वा झील नंदकुल। Finally we reached our campsite and after relaxing for a while it's the time for evening snacks and wow it was pakoras and tea. We played dhamsharas by the time the dinner was ready. Third one. Okay.
यानी इंग्लिश वाला ही बता रहे हैं। हाँ। और दूसरे का हो गया टाइम अप, टाइम अप। After having dinner, we went inside our tents and this is how our day ended. Friends, if you like my video, please hit the like button, subscribe my channel and stay connected for my next video.